गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था इनसाइड द सीपीयू, जिसका फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ा था। हमने यहाँ पे लास्ट टॉपिक अपना इस पिक्चर पे छोड़ा था। सो आज हम ये पिक्चर समझेंगे, ये पिक्चर में क्या दिया गया है, ठीक है। सो इनसाइड द सीपीयू में ये जो सिस्टम यूनिट है, ये हमारा सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू है ना, ये हमारा सीपीयू को इसको इन्होंने खोल रखा है। अब देखो सीपीयू में क्या क्या होता है। हमारा पावर सप्लाई, यहाँ से हमारी पावर सप्लाई जाती है। ये देखो यहाँ पर रोम होती है हमारी, हार्ड डिस्क यहाँ लगी होती है, रैम होती है, मॉडम, साउंड कार्ड, रिबन केबल, मदरबोर्ड, डीवीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, पावर कार्ड्स, फ्लॉपी ड्राइव, जिप ड्राइव और एक्स्ट्रा केस फन, ये सब इसके अंदर हमारे सीपीयू के अंदर होता है। देखो ये वाला हमारा पार्ट सीपीयू का है ना, ये इन्होंने इसका बैक साइड हमें ओपन करके दिखा रखा है, ठीक है। अब जो इसके अंदर मेन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा क्या होता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये पिक्चर होती है, ये होता है हमारा मदरबोर्ड। हमने वैसे अपने किसी भी चीज़, वैसे छोटी मोटी चीज़ों में देखे होंगे, छोटे छोटे मदरबोर्ड होते हैं, ग्रीन कलर के चिप टाइप के होते हैं, उसके अंदर सब लगा होता है। ऐसे ही हमारा सीपीयू है, तो सीपीयू हमारा बड़ा है, तो उसके लिए उसका मदरबोर्ड भी बड़ा है, ठीक है। सो एज इट्स नेम इम्प्लाइज, एवरीथिंग इनसाइड योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और अ पीसी पार्ट फ्रॉम द डिस्क। जैसे कि नेम से ही समझ आता है, ये सब हमारा पार्ट किसके अंदर होता है, हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। इज़ अ पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड और सिट्स इन अ सॉकेट्स ऑन द। इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे बहुत सारे सॉकेट्स भी लगे होते हैं और हमारे जो केबल्स होते हैं वो इससे हमारे कनेक्टेड होते हैं और इज़ कनेक्टेड टू इट्स बाय केबल। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल। तो हमारा ये बहुत ही एक स्ट्रक्चरल रोल हमारा निभा रहा है, क्योंकि ये हमारा एक मेन बोर्ड कहलाता है। जैसे हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, उसके बैक साइड अगर हम देखें तो भाई जितने भी केबल्स लगे होते हैं हमारे, सब उसी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्लेट ऑफ फाइबर। ये जो प्लेट होती है ये फाइबर की होती है। फाइबर की क्यों होती है, क्योंकि ताकि ये जो फाइबर होता है वो करंट को नहीं पकड़ता है, ठीक है। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऑन विच ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर प्रिंटेड सिंस फाइबर ग्लास डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। यही मैंने बोला अभी, फाइबर ग्लास जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पकड़ते हैं, तो इससे हमारा कोई डेंजर नहीं होता है। देयर इज नो डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉम्पोनेंट टू अनदर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है बैटरी। वैसे तो सब बच्चों को पता होगा बैटरी का, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। देखो ये रही बैटरी, ये इसके अंदर लगी होती है, मदरबोर्ड के अंदर होती है हमारी बैटरी, ठीक है ना। मदरबोर्ड के अंदर हमारी बैटरी लगी होती है। When you are working on computer, you must have seen a clock in our computer showing time and date. जैसे हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसमें नीचे की साइड एक टाइम और डेट लिखी हुई आती है मॉनिटर स्क्रीन पे। देखना जब लैब में आओगे, डिड यू नोटिस दैट वेन एवर यू स्टार्ट अ कंप्यूटर इट ऑलवेज डिस्प्ले करेक्ट टाइम। जैसे ही हम कभी भी अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, उसमें जो टाइम होता है वो बिल्कुल सही बताता है हमें। तो इफ़ यू स्टार्ट इट मैन, चाहे आप कितने ही दिनों बाद अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करें, बट लेकिन वो हमें टाइम और डेज एक्यूरेट बताता है। इट इज़ ड्यू टू अ डिवाइस कॉल्ड बैटरी इन सिस्टम यूनिट। ये इसीलिए आता है क्योंकि हमारी उसके अंदर एक बैटरी लगी होती है जो उसको अपडेट करती रहती है। दिस बैटरी गिव्स पावर टू द क्लॉक ऑफ सिस्टम यूनिट। तो वो जो बैटरी होती है वो उस क्लॉक जो हमारी टाइमिंग हमें बताती है ना, उसकी जो पावर, उसको हमें ये पावर देता है, उसकी बैटरी जो होती है, ठीक है। ड्यू टू दिस बैटरी द क्लॉक इज ऑलवेज रनिंग इवन वैन कंप्यूटर इज ऑफ। भले ही हम अपने कंप्यूटर को बंद कर दें, बट लेकिन जो उसकी बैटरी होती है वो ऑलवेज़ वर्क करती रहती है, ठीक है। ये बैटरी जो हमारा सीपीयू के अंदर लगी होती है, छोटी सी होती है वो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है, देखो एसएमपीएस पिक्चर दिखाती हूँ मैं, ये होता है एसएमपीएस। ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू के पीछे से जो जितनी भी वायरिंग होती है सब इसके अंदर लगी होती है। ये जो वायरिंग होती है, ये जो स्विच मोड पावर, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं जो पावर सप्लाई होती है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। देखो अभी ये क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई इज दैट यूनिट विच टेक 220 वोल्ट एंड प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज टू सप्लाई द रिक्वायर्ड करंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड अदर कॉम्पोनेंट। देखो स्विच मोड पावर सप्लाई हमारे जो वोल्टेज 220 वोल्टेज पे डायरेक्ट वोल्टेज जो इसमें पावर सप्लाई करती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारी पावर सप्लाई होती है, तो वो हमारे पावर सप्लाई इसके अंदर देती है। जैसे ही हम पावर सप्लाई करते हैं, इसके अंदर एक फ़ैन ओपन होता है। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, जैसे ही हम अपने सिस्टम ऑन करते हैं, नीचे से सीपीयू ऑन करते हैं, जैसे हमने सीपीयू का बटन ऑन किया होता है, उसके अंदर एक फ़ैन स्टार्ट होता है, तो फ़ैन क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है और अपनी पावर को सप्लाई
कर देता है। देखो इसमें यही लिखा हुआ है, टू टर्न दिस SMPS ऑन और ऑफ अ स्विच इज कनेक्टेड विच इज़ प्रोवाइडेड इन द फ्रंट पैनल और द साइड पैनल। व्हेन यू टर्न दिस स्विच ऑन अ ह्यूमिंग साउंड कैन बी ऑब्जर्व दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मिनी एग्जॉस्ट फैन ऑफ द SMPS विच कीप्स द SMPS कूल एंड ऑल्सो इंडिकेट दैट SMPS इज फाइन एंड वर्किंग। जैसे हम फैन चलता है तो उसका मतलब जो ऐसा वो अंदर की जो हीट होती है वो उसको ठंडा करती है और वो हमें बताती है कि सब कुछ अंदर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, दे आर मैनी आउटपुट कनेक्टर्स के अंदर बहुत सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं, 6 पिन्स होते हैं, 4 पिन अलग अलग तरीके के इसके अंदर पिन्स लगे होते हैं जो हमारे अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। कुछ हार्ड डिस्क के लिए होता है, कोई DVD के लिए होता है, कोई अदर केबल्स के लिए होता है, अलग अलग केबल्स के लिए अलग अलग कनेक्टर्स के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट मीन्स CPU। ठीक, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।